आया गैस का। हाँ जी, मेरा मीटर तोड़ के ले गए, मीटर लगा नहीं मेरा। आपने ऐसा क्या किया गैस के साथ कि 8,000 बिल आ गया? गैस का बिल तो हमारे यहाँ गुजार पा रहा। एकदम बिल आया ना मेरा, एक बिल इतना आ गया मेरा एक बिल में। नहीं ऐसा क्यों आ गया इतना बिल? अल्लाह जाने क्यों आया ऐसे। इन्होंने क्या वो पीछे तो नहीं आ रही बिल? कितना बिल है? मेरा मियाँ नहीं है, मैं लोगों के घर में काम करती, 3 बेटियाँ मेरिया, बेटा नहीं है। और ठीक है, 3,000 बिल आया मेरे से, होया गया मेरा से नहीं हिम्मत पड़ी। आप बता रहे कि 8,000 बिल आ गया। और फिर इकट्ठा होते 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 फिर इतना आ गया बिल, फिर मेरा मीटर तार के ले गए। अभी मैंने मेहनत तो ही की है, मेरा मीटर ना तारो फिर ही तार के ले गए। नहीं तो अगर चलो मैं किस्त चाल लूँ, पर उन्हें किस्त ली नहीं। तो फिर आप क्या करती हैं अभी? अब मैं घर में लकड़ियाँ जलाती हूँ बस। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि इन लोगों को ये कुछ भी नई चीज नहीं कर रहे, वही रोटी पका रहे हैं, वही हांडी पका रहे हैं। इतना ज्यादा बिल कैसे आ गया गैस का? कभी हांडी नहीं पकती मेरी, कभी पकती ही नहीं है। आप खुद कमाती हैं जी? आप अकेली कमाने वाली हैं? तो जो हमारी बहनें हैं वो पढ़ रही हैं, क्या करती हैं? पढ़ रही हैं। पढ़ रही हैं? हाँ जी। तो आप अभी आपके गैस का मीटर उतार गया? जी, मेरा मीटर अभी देखना नहीं लगा मेरा मीटर। तो फिर आप वो क्या दो महीने का बिल उतार? लकड़ियाँ जला रही हैं जी। ठीक है चाचू, ये देखें, ये भी कह रहे हैं कि हम कुछ भी नया नहीं कर रहे। जैसे ये और खड़ी है बातें कर रही है आपके, वो झूठ नहीं बोल रही। नेवर, आई कांट बिलीव इट। हां अब ये वर्किंग जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है? महकमा होगा। अब देखें ना, बिजली के यूनिटों का पता चल गया भाई, 30 यूनिट के 40 यूनिट, इसका वो सिस्टम ऐसा है कि नोबडी कैन अंडरस्टैंड। उसका जो रीडिंग होती है ना, पता नहीं क्या उसको कहते हैं। आप इंग्लिश बोलते हैं, आप कहां रह गए हैं? आई लिव अब्रॉड इज अ इंग्लैंड जर्मनी, आई कैन स्पीक अ जर्मन लैंग्वेज एज वेल। जर्मन में सुना दे। बिजली का कितना आया? 5,000 बिल आया बिजली का मेरा। अच्छा, फिर मैं कैसे करूँ बताओ? गैस का दो, बिजली का दो, क्या करूँ? आप कितना कमाती? मेरा तो सिर्फ सफाइयों का करती है, 3,000 की सफाइयों। कितनी? 3 का घर है, सफाइयों का करती है। और एक सफाई का एक घर करो 3,000 मिलता है, लेकिन 9,000 रुपया महीने का जी। और आपका 8,000 बिल आ गया जी, 5,000 बिजली का बिल। 5,000 बिल आप जो बत्ती का आया वो तारा है। और आप केली घर की कमाने वाली? केली घर में आके देख लो, केली हूँ मैं। 9,000 रुपए आप कमा रही हैं और आपको 14,000 रुपए बिल आ गया। हाँ, तो आप बता रही है 9,000 रुपए, 9,000 रुपए में तो किचन भी नहीं चल सकता। हलम कर देते हैं मेरी, कभी फीस दे देते हैं, कभी किताबें लेके दे देते हैं। अब तो आटा लेने जाए तो उधर 14 तबक रोशन हो जाते हैं। हाँ जी, डबल हो जाता है, बस अल्लाह मालिक है मेरा। सर इसका आप बता रहे हैं, अब इसका हम तो सिर्फ निशानदेही कर सकते हैं, हम इसका क्या करें? 1800 आया और इसमें 10,500 आ गया। हाँ जी, मुझे समझ नहीं चल रही है आपको क्या, आपको क्या समझ नहीं चल रहा है? क्या नहीं समझ रहे? 10 बिल हैं, 10 बिलों में 800, 700, 600 रुपए बिल आता है। कभी है 1,000 आ जाए या 1,200 आ जाए, उसके ऊपर कभी 1,500 बिल नहीं आया। 800, 700, 1,000, 6,000 रुपए आया था, अब क्यों आया है? तो हमारी कोई इतनी नहीं, तो आप होटल का काम तो नहीं कर रहे? कोई काम नहीं कर रहे, कुछ किसी पता लगे? हम लोग मेहनत मजदूरी करते हैं बस। गैस किसी फैक्ट्री को तो नहीं दी? किसी को भी नहीं दिए हैं। हमारे कुछ भी नहीं कर सकता, हमारी रोटी नहीं पकती, गैस भी कम आ रही है। 6,000 बिल कैसे? मैं कहता हूँ कि गैस भी कम आ रही है, रोटी भी नहीं, गैस भी कम आ रही है, रोटी भी नहीं पक रही है, फिर भी इतना बिल आ रहा है, क्यों आ रहा है? ये फिर क्या क्या कैसे आ गया इतना? हमारे इतने बिल बढ़े हैं, इतने 10 बजे के बाद तो है भी नहीं, वो तो होती भी नहीं है, जो दिन को आती है। अच्छा, वैसे हमने कभी गैस की लोड शेडिंग नहीं सुनी थी ये जनाब, ये साल पहले तक पहली दफा सर यही लोड शेडिंग सुन रहे हैं, जिसका 800, 600 बिल आ रहा है, ये 19,000 रुपए बिल आया हुआ है। आपका कितना आया? ये 19,000 बिल आ गया। 20,000 रुपया बिल हो गया ना, 690 पता क्या, अगर ये ड्यू डेट के बाद उतारते हैं तो 21,660 रुपया गैस का बिल है। गैस का 2,200 है, अगस्त महीने का 2,200 बिल है और इस महीने का इतना ही आ रहा है। और ये भी है कि गैस भी कम आ रहा है, पिछले महीनों से गैस भी कम आ रहा है। मतलब कि आपके बिल में तो मेरा ख्याल है कि
हजार गुना इजाफा हो गया, हजार से भी ज्यादा कि मतलब 200 से 2000 से 22000 बिल आ गया, 2200 से लेकर 3000 से अभी एकदम उसने 20000 कर दिया। हाँ, 20000 से भी ऊपर अगर 20 अगर डेट लगा के ना 20000 से भी ऊपर चला जाता है। तो आपने ऐसा क्या कोई नई चीज पकाई? कोई चीज नहीं पकाई, पहले महीने से इसका इस्तेमाल तो किचन में ही होता है, उसके अलावा तो मुझे नहीं पता। पहले से भी कम हुआ रहा है, पहले जो गैस आ रहा था उससे भी कम हो गया, महीना आगे आगे से कम होता जा रहा है। 10 बजे चली जाती है, सुबह 6 बजे आती है। हाँ हाँ, ये आ भी नहीं रही, गैस पूरा आ भी नहीं रही। जो गैस आती है उसमें भी अंडी नहीं पड़ती, उसके साथ हम लकड़ लगा लेते हैं। बरकत खत्म हो गई? बरकत नहीं, बिल्कुल बरकत है ही नहीं, उसके साथ हम लकड़ लगा लेते हैं। आप एक साल पहले जो बिल आ रहे थे वो 500 600 700 1000 के ऊपर बिल नहीं आया। जब ये साल गुजरा है ना, इस साल के अंदर अंदर ये इतना गरीब लोग हो गए कि इनके पास पैसे नहीं के जाके बिल था कि ये हीटर तो नहीं सेकते रहे? नहीं नहीं, हीटर नहीं, चूल्हा ही चलता है। एक आधा चूल्हा ही तो नहीं लगा लिया, डबल चूल्हा हो तो इसमें से एक ही चलता, दो चल भी नहीं रहा है। नहीं तो कोई हीटर तो नहीं देखते रहे को जरा बैठ के, सिर्फ एक आधा चूल्हा। दो दिन हुए अभी सर जी को, तो दो दिन ही सिर्फ धुंध पड़ी है आए हैं, लेकिन अभी तक बिल नहीं आया जी। हुकूमत देखे, अगर इलेक्शनों के लिए खर्चे बनाना चाहती है तो कोई और तरीका इस्तेमाल करे, लग्जरी गाड़ियों वालों को पकड़े, ये जो डिफेंस में रहते हैं जो होटल में, इनको पकड़े, इनके बिल भेजे। ये गरीब लोग, ये तीन तीन बच्चे हैं सारे, और माँ भी जाती है काम पर और बाप भी जाता है। माँ को कितनी तनख्वाह मिलती है? 4000 रुपए कोठी में सफाई के, 4000 रुपए तनख्वाह। नहीं तो ये जो सुन रहे हैं इन सबको पता है कितनी तनख्वाह आया को देते हैं? 4000 से ऊपर पैसे नहीं देते। 4000 में तकरीबन ये 1200 से 1400 रुपए तो किराया लगा लेते हैं महीने का। अब मुझे बताएं कि ये 20000 या 21000 का बिल कहाँ से पे करेंगे? इनका मीटर उतरे हुए 5 साल हो गए हैं, अभी आपको दिखाते हैं, 5 साल हो गए। मीटर नहीं चला मेरे, मीटर 250 से 300 400 बिल आता था एकदम, 8500 रुपए 8000 आपको दिखाया बिल भेजा है, तो वो मीटर उतार के ले गए, 5 साल हो गए, दोबारा लगवा नहीं सकी। बिल काट दिया मैंने, बिल काट दिया, मीटर नहीं लग रहा मेरा, 5 साल हो गए मीटर को उतरे हुए और बिल भी जमा हो गया है। वो इनका ये आपकी ये मेरे मोहल्लेदार, ये हमसाया साथ, ये गली में, अभी आपको हम दिखाते हैं जहाँ से मीटर कटा हुआ है। हमारे गवांडी है, ये हमारे गवांडी है, 3-4 दफ्तर भी गए हैं। आए दिखाए, ये आपने फिर बिल जमा करा दिया? हाँ जी, बिल जमा करा दिया। तो ये 5 साल हो गए, दोबारा उन्होंने गैस ही नहीं दिया? ने गैस का बिल भी अदा कर दिया, हमारे गवांडी हैं, ये 4-5 दफ्तर में भी गए हैं, चक्कर लगाती है इनसे, वो पैसे मांगते हैं, पैसे मांगते हैं, 50000 मांगते हैं, कहते हैं मीटर लगा लेगा जी। नहीं तो वो क्या, कोई जगह बदमाश है कोई? पता नहीं, अल्लाह जाने कौन है, बस खाने को मांगते हैं। रिश्वत मांगते हैं आपसे? हाँ जी, मैं बेवा औरत हूँ, बेवा औरत से मांगते हैं। उसको बताना था कि मैं, मैंने तो बताया उसको, फिर वो क्या कहता? कल बस इतने लगते हैं, आप पीछे ना आना, हम आ जाएंगे लगा देंगे। और 5 साल हो गए कि आपका मीटर नहीं लगा? नहीं, वैसे अभी अगर आपका मीटर लगा होता तो वो देखेंगे लोगों के 15-15000 बिल आ गए। मैं वही बात कर रहा हूँ, अभी तो देखे लकड़ियाँ भी कितनी महंगी है, 2000 रुपए मन लकड़ी हो चुकी है। तो अब ये बेवा औरत सुबह जाती है शाम को 5 बजे मगरिब की अजान के वक्त आती है, 5 साल हो गए, अगर चले काट भी दिया है, 5 साल पहले कितना बिल आया होगा? 8500 रुपए में बिल काट दिया, तो अब इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं कि पाँच, ये इनसे पूछे, ये साथ कई मरतबा साथ ये भी गई हुई, बिल आंदे गैस आंदा वे ना, बुरा हाल है, तो गली का हाल सुना देखो तुसी। नहीं कह रहे ने गैस दे बड़े बिल आए ने यार की, जब बिल आने गैस दा 4000 निक महीने दा आया जे, बेवा मेरा कमाण वाला कोई नहीं हैगा, ते बत्ती दा ते मेरा 4000 रुपए आया, 3500 रुपए आया। तो गैस दा किन्ना आया जे? गैस दा 4000। गैस दा भी 4000 जी। सुबह मतलब रात चले जाती, रात नहीं आंदी, सुबह 8 बजे आंदी। की एयर की कुछ ज्यादा इस्तेमाल की, पता लूमा लाइया? लूमा नहीं लाइया,
जिम्मेदार है बस जिम्मेदार जेड़े बैठे ने बिलावल बना दे बिलावल वोट दोगे अच्छा भी बिलावल ही देने हां जी अगर ये गली बना दे तो इनको वोट दे देंगे आप इतने गुस्से में गुस्से पता चलेगा ला जिन्ना गैस महंगी करती फिर की करना भी यह हाल करा गे की भाई की गल लूमा लगा के बैठे हाँ की गल पट्ठी लगाई हुई है तुसी गरीब बंदे घर फैक्ट्रिया लाई बिल बोते आए बस।